हेलो गाइस, मेरा नाम है हरमन और आप देख रहे हैं हरमन सेज यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 8 रीजंस कि आजकल क्यों स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं इतना कनाडा जाना, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आईलेट्स करके आज कनाडा में स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी मोर देन 50 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हमारे इंडिया से गए हैं कनाडा, अभी स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ पर, करेंटली वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। और जो कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल एंड फीस हैं, और जो वहाँ की जो डिग्रीज़ हैं वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ये थे एक फ्यू रीजंस के क्यों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए। अब हमारी मेन वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे हमारा पहला टॉपिक दिख रहा होगा, मीन्स की फर्स्ट रीज़न जो कि है एकेडमिक एक्सीलेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एकेडमिक एक्सीलेंस में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई स्टूडेंट वहाँ की एक डिग्री रिसीव करता है तो वो डिग्री एक मार्क हो जाती है ट्रस्ट और एक एक्सीलेंस का। और एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी जो 2019 में एक सर्वे हुआ था, सर्वे नहीं आप कह सकते, एक रैंकिंग हुई थी जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 2019 में हुई थी। उसमें 26 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड करी गई थी फ्रॉम कनाडा। एक और वहाँ पे एक रैंकिंग हुई थी 2019 में ही जो थी वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 27 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड करी गई थी फ्रॉम कनाडा आल्सो। तो आप जान सकते हैं कि वहाँ पे जो कि जो जितनी भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, और आपको कितना एक करियर में आपने बूस्ट मिलेगा अगर आप वहाँ से एक यूनिवर्सिटी का एक डिग्री लेके आप कोई भी कंट्री में वर्क करने जाते हैं। तो ये थे हमारा फर्स्ट रीज़न। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड रीज़न की। सेकंड रीज़न जो हमारा है वो है एम्पल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। पहले हम बात कर लेते हैं एक एम्पल वर्ड की। एम्पल से आप ज़्यादा मीन्स आपको नहीं पता होगा उसका मतलब क्या होता है। एम्पल का मतलब होता है इनफ या फिर सफिशियंट। मीन्स अगर आप कनाडा का स्टडी पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तरीके से ही स्टडी कराई जाती है। ज़्यादा वहाँ पे थियरी को फोकस नहीं किया जाता, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स की। मीन्स कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री होगी कनाडा। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ पे जाके, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वहाँ का स्टडी पैटर्न ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है। यही था हमारा सेकंड रीज़न। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड रीज़न के ऊपर, जो कि है अफोर्डेबल फीस विच फॉल्स इन बजट। मीन्स अगर आप कंपेयर करेंगे कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को US या फिर UK की यूनिवर्सिटीज़ से, तो रिलेटिवली जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी चीप पड़ जाती हैं। मीन्स कि उनकी जो फीस है वो काफ़ी चीपर है ये दो कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंसीडर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। मीन्स कि अगर आप कनाडा जाते हैं तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनका एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। तो ये बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप पहले से ही अपने एजेंट को बता दें। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सीजन के ऊपर, जो कि है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में आप ये देखेंगे कनाडा में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स फॉलो करे जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप के वहाँ पे लोग रहते हैं, फिर भी वो लोग बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग होते हैं। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो रेडी टू हेल्प होते हैं हमेशा। आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। अगर आप किसी को भी कोई भी हेल्प के लिए वहाँ पे बोलेंगे तो ज़रूर से आपके वो खड़े रह के वहाँ पे हेल्प करेंगे। एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पहले से ही वहाँ पे काम या फिर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से आपको वहाँ पे अपने फेलो मेट्स भी देखने मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एक हेल्प हो जाएगी कि आपको वहाँ पे अपनापन लगेगा और आपको कम्युनिकेशन भी हो जाएगी वहाँ पे इजीली। अब बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ रीज़न के ऊपर, जो कि है सेफ एंड पीसफुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कनाडा जो कंट्री है वो कंसिस्टेंटली रैंक करते आ रही है सेफ्टी एंड पीसफुल के मेजर्स में, और वो एक वन ऑफ द सेफेस्ट नेशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स भी हुआ रहा, जो अभी रिसेंटली 2018 में, उसमें भी जो कनाडा ने रैंक किया था वो 6th पे किया था फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज। मीन्स आप इस तरह से जान सकते हैं कि कनाडा कितनी सेफ एक कंट्री है। एक कनाडा की बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि अगर वहाँ पे कोई कैनेडियन है और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर से वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके सेम राइट्स होंगे, आपके राइट्स में वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और आपके साथ कोई भी वहाँ पे ख़राब बात हो रही है, मीन्स अगर आपके साथ कोई भी लॉ ब्रेक वहाँ पे हो रहा है तो आपको सेम राइट्स वहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत ही अच्छी लगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th रीज़न के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, सॉरी हमारे 6th रीज़न के ऊपर, जो कि है हमारा अर्न व्हाइल यू लर्न। तो एक जो कनाडा के स्पेशल रेगुलेशंस में आता है वो अलाउ करता है अपने हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे वर्क करने के लिए वीकली वाइल दे आर ऑन देयर स्टडी परमिट।
मीन्स कि आप 20 आवर्स तक वहाँ पे वर्क कर सकते हैं वीकली जब आप अपने स्टडी परमिट पे हैं। आपको ये समर और विंटर ब्रेक भी देखने मिलेगा जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। मीन्स कि जब आपका ऑफिशियल ड्रॉप होगा 4 मंथ्स का, तब आप फुल टाइम वहाँ पे वर्क कर पाएंगे। इससे एक चीज़ की आपको ये हेल्प हो जाएगी, आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी वहाँ पे आपके निकल जाएंगे, और जो आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस होगी उसके लिए भी आपको घर पे बोलना नहीं पड़ेगा। आप अगर वहाँ पे थोड़े से पैसे जोड़ लेंगे आपके GIC के साथ, तो ज़रूर से आप वहाँ पे अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी अफोर्ड कर पाएंगे। आपको वहाँ पे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने के लिए आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए होगा, आपको बस आपका स्टडी परमिट वहाँ पे चाहिए, जिससे कि आपको ईजिली एक पार्ट टाइम जॉब देखिए वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बढ़ेंगे अपने 7th रीज़न के ऊपर, जो कि हमारा है वाइब्रेंट एंड लाइवली कैंपस लाइफ। मीन्स कि वहाँ पे जो कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे जो थ्रू आउट द ईयर अलग अलग डिफरेंट वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर तो कोई भी इवेंट्स या फिर तो अलग अलग फेस्ट्स वहाँ पे होते रहते हैं, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नेटवर्क वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट लोग वहाँ पे वो इवेंट्स देखने आएंगे, जिससे कि आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो जाएगी काफ़ी कैनेडियंस के साथ, आपको उनका कल्चर भी एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। एक फ़ायदा इस चीज़ का ये है कि अगर आप इन सब इवेंट्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका जो खालीपना है, मीन्स कि आपको जब भी होमसिकनेस होगी, तो ये जो इवेंट्स है वो चीज़ को पूरी कर देंगे, आपको घर की इतनी याद आने नहीं देंगे। अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ एक ये है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल रीज़न के ऊपर, जो ही 8th रीज़न, जो हमारा है इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स कि जब आप एक ग्रेजुएशन की वहाँ पे डिग्री ले लेंगे तो आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम, जो भी हमारा हो गया PWPP। मीन्स कि आपको 3 ईयर्स तक अप टू वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे रह के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जब आप वन टू टू ईयर्स का आप वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन कर लें, तो ज़रूर से आप PR के लिए वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जब आप PR के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको ईजिली वहाँ पे PR भी मिल जाएगी। ये बात दूसरी कंट्रीज़ में देखने नहीं मिली है, इतनी ईजिली वहाँ पे PR आपको प्रोवाइड नहीं होती। तो एक तरह से कनाडा एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है अगर आपको वहाँ पे जाके सेटल होना है। अगर आपको वहाँ पे जब आपकी PR हो जाती है तो इजीली आप अपनी होम कंट्री में भी आ सकेंगे। होम कंट्री में आने के बाद आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं कनाडा, या फिर तो आप अपनी होम कंट्री में आके अपने पेरेंट्स को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब मैं ये तो हमारे हो गए टॉप 8 रीजंस के क्यों आपको कनाडा में स्टडी करना चाहिए। अब थोड़े एक्स्ट्रा मैं फन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लेक्स के बहुत फॉन्ड हैं, मीन्स आपको लेक्स बहुत पसंद है, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लेक्स हैं, सबसे ज़्यादा लेक्स आपको देखने मिलेंगे कनाडा में। मोस्ट ऑफ द लेक्स जो है वो आपको कनाडा में देखने मिलेंगी। मीन्स कि आपकी ब्यूटी और नेचर भी वहाँ पे देखने ज़रूर से मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 2nd रीज़न की, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। मोर देन जो हाफ पॉपुलेशन है वहाँ पे, उनके पास एक कॉलेज डिग्री है ही। मीन्स आप जान सकते हैं अगर आप रह रहे हैं और वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप कितने अच्छे लोगों के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, और वो कितने ही अच्छे लोग होंगे कि जिनके इतनी एजुकेशन है, तो आपका रहना भी वहाँ पे बहुत ही पीसफुल होगा। तो यही थी हमारी वीडियो टॉप 8 रीज़न से क्यों आपको स्टडीज़ के लिए कनाडा जाना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताएं। अपना टॉपिक्स भी अगर आपको कोई चाहिए हो तो मैं वहाँ पे रिसर्च करके आपके लिए टॉपिक ज़रूर से ला दूंगा, आप वो मुझे कमेंट डाउन करके बता दें। वीडियो पे आ गए हैं तो लाइक करें। मेरी एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें भी कि आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा होऊंगा 7+ बैंड्स लाने का। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ज़रूर से आपके 7+ बैंड्स इजीली आ जाएंगे। ज़रूर से वीडियो को चेकआउट करिएगा। वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, वो भी आपको क्लिक ज़रूर से करना है, क्योंकि हमारा 60 सब्सक्राइबर्स का गोल है, उससे हम बहुत ही करीब है। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए 60 सब्सक्राइबर्स के लिए। ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल जाएगा, हैंडल पर आप ज़रूर से जाएँ। जाने के बाद अगर आपको वहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, 24/7 आप पर रिप्लाई करता रहूँगा। और ज़रूर से अपने गोल्स की तरफ वर्क करें आप, यही आपके पास टाइम है, इफ़ नाउ देन नेवर। तो उसे आप ये चीज़ का ध्यान रखें। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।